हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय समिति ने अपने पीजीटी की आंसर की जारी कर दी है। उसके बाद हमारा सीटेट का एडमिट कार्ड आने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। और 7 जुलाई को सीटेट का पेपर है और आज से नेट एनटीए के नेट के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और कल नेट एजुकेशन और नेट इकोनॉमिक्स का पेपर भी है। तो फ्रेंड, इसी को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है और इसके साथ साथ जो सीटीईटी का पेपर होगा, पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट में भी आपको हेल्प करेगी। तो आइए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करता हूँ अपनी वीडियो, ध्यान से देखिए। ICET का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आ जाता है, कहीं से भी टपक जाता है। तो ICET का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं, ये कुछ बांध और नदियाँ दे रखी हैं। भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर। अगला है पंचेत डैम है दामोदर नदी पर। नेक्स्ट हीराकुंड डैम है महानदी पर और टेहरी बांध है भागीरथी नदी पर। इसके साथ ही आगे चलते हैं, द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हम ICHR बोलते हैं, ये है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जिसको IIAS बोलते हैं, इसका जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वो शिमला में। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसको ICPR बोलते हैं, ये है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया, यह है त्रिपुरा। अगला देखते हैं, CFSI की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, CBFC, इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, NFDC, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, लैन का जो फुल फॉर्म है वो होगी लोकल एरिया नेटवर्क, काफ़ी आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ यू डिजर्व टू नो, ये टैगलाइन किसके द्वारा यूज़ की जाती है? तो यह यूज्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो इसका आंसर है दिल्ली। आगे चलते हैं, DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच, DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DTH सर्विस वाज स्टार्टेड इन 2004। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 16, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एसेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, WWW, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, EDUSAT वॉज लॉन्च 20 सितंबर 2004। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है PTI। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, PTI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1958। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं और स्टेट्स हैं। ये पेरियार नेशनल पार्क है हमारा केरला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका क्या आंसर लिखना है? केरला। क्वेश्चन नंबर 2, नंदन कानन नेशनल पार्क है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बेट नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड में और सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है हमारे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज की नेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, WYSIWYG की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
आज के नेट के एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट है स्वयं, स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो भी आज के नेट के एग्जाम में आई थी। तो स्वयं की फुल फॉर्म होगी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी एक और वीडियो जो कि आपको CTET D++B KVS के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, D++B की जो आने वाली वैकेंसी हैं, और अभी जो जुलाई में CTET होने वाला है, और अभी जो कल से जो आज से जो नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट है, उन सब में आपको वीडियो हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ यार कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसे लगी, ताकि आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, अगर कोई कमेंट करके बताता है तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है, और अगर मोटिवेशन मिलती रहेगी तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।